एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं रोज़ गार्डन वापस से। तो आज चंडीगढ़ का मौसम बहुत ही क्लियर था, थोड़ा थोड़ा हल्की अभी धुंध है। तो आज हम आए हैं रोज़ गार्डन। ये है मेरी भांजी और ये आयु। हेलो कर दे, स्टाइल मार रहा है। तो अभी हम आए हैं रोज़ गार्डन में और काफ़ी सारा हमने यहाँ पे घूम लिया है। मैंने ज़्यादा वीडियो आज नहीं शूट की क्योंकि रोज़ गार्डन की वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी डाली हुई है, जिसने नहीं देखी है वो जाकर के देख सकता है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दे दूँगी। तो चलिए, थोड़ी थोड़ी क्लिप में आपको दिखा देती हूँ एक बार फिर से, और बने रहिए ब्लॉग में। जो भी मेरे चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए, मैं दिखाती हूँ आपको रोज़ गार्डन का थोड़ा सा भी। फोटो शूट मैं भी ले लेती हूँ इनके साथ। तो जी, चलिए चलते हैं अब आगे। आगे आपको दिखाते हैं, बहुत बड़ा है ये रोज़ गार्डन। हमने पूरा कवर नहीं किया, तो जितना भी मुझसे कैप्चर हो पाएगा मैं आपके साथ में शेयर करूंगी फिर से। तो ये देखिए जी, यहाँ पर कबूतर अपना दाना चुग रहे हैं, मैं इनके पीछे पीछे जा रही हूँ। और ये देखिए उड़ गए। और तो आगे मैं आपको दिखाती हूँ अब आपको रोज़ की वेराइटीज़। बहुत सारी वेराइटीज़ है यहाँ पर रोज़ की, बहुत अलग अलग वैरायटी है। ये देख सकते हैं कितने प्यारे इसमें रोज़ लगे हुए हैं। और आज बहुत भीड़ भाड़ है रोज़ गार्डन में क्योंकि आज मौसम क्लियर हुआ था और सब लोग धूप सेकने के लिए रोज़ गार्डन निकले हुए हैं। और ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं रोज़ेस, बहुत ही सुंदर और बहुत बड़ा है ये। और चारों तरफ लगाए गए हैं रोज़। और यहाँ पर देखिए जी, यहाँ पर हो रही है इंस्टा रील की शूटिंग। जी हाँ, ये रील्स बना रहे हैं इंस्टा के लिए। तो मैंने भी दो तीन इंस्टा रील्स बनाई हैं। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हो तो मेरी सेम आईडी है, हिमाचली तमन्ना भार्गव। तो आप हिमाचली तमन्ना भार्गव को फॉलो कीजिए और मेरे इंस्टाग्राम की रील्स देखिए। तो ये देखिए जी, कितने सुंदर रोज़ेस है यहाँ पे बहुत सारे। रोज़ गार्डन में रोज़ेस ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसका नाम ही रोज़ गार्डन पड़ा हुआ है। ढेर सारी वेराइटियाँ आपको मिल जाएगी यहाँ पे देखने के लिए। और आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे खिल रखे हैं रोज़, और बारिश हुई थी तो इससे और भी ज़्यादा अच्छे हो गए थे। ये देखिए, मैं यहाँ पर पिक ले रही थी और उसकी वीडियो बन गई मेरी भांजी से। तो ये देख सकते हैं, मैंने कुछ
फ़ोटो ली है, बहुत ही प्यारी। और यहाँ पर बारिश से कुछ ख़राब हो गए थे रोजेज, इसकी आप पेटल देख सकते हो, नीचे गिर गए हैं कुछ रोज़। तो ये वाइट कलर का रोज़ है, बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही सुंदर। तो यहाँ आगे जितनी भी ये नीचे नर्सरी लगाई गई है, सारी रोज़ की है, अलग अलग वैरायटी। तो अभी ना ये मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, ये है सबसे सुंदर, मुझे बहुत अच्छा रोज़ लगा ये। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारे रोज़ेस हैं, ये देखिए कितने प्यारे रोज़ेस, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सारे, ये देख सकते हैं वहाँ तक रोज़ेस ही रोज़ेस लगे हैं। और यहाँ पे कुछ न्यू लगाए हुए हैं, और ये देखिए कितने प्यारे, बहुत ही सुंदर रोज़ेस है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ये है स्टेज, तो यहाँ पर रोज़ फेस्टिवल के दौरान स्टेज बनाई जाती है। रोज़ फेस्टिवल फरवरी में ही आता है, तो अगर इस बार होगा तो मैं आपके साथ में रोज़ फेस्टिवल ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत ही अच्छा फेस्टिवल होता है, बहुत ही फेमस। तो पिछले 2 सालों से नहीं हो पाया क्योंकि कोविड की वजह से बंद कर दिया गया था, तो अगर इस बार होगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये फाउंटेन भी आजकल बंद है क्योंकि समर का टाइम है, गर्मियों में चलाए जाते हैं। तो चलिए जी, अब चलते हैं घर की तरफ। अभी हम चलते हैं घर की ओर, मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है, और आयु की दीदी चले गए हैं। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे रोज़ेस लगे हैं। तो चलिए मिलते हैं अब आपको सीधे घर पे। इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें। जो भी मेरे चैनल पर न्यू विज़िट कर रहे हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।